नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें किस करवट ज़्यादा लेटना चाहिए। मतलब फाइनली आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें किस करवट लेटना चाहिए, दाएं करवट या बाएं करवट। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे कि किस करवट ज़्यादा से ज़्यादा लेटना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि हमारे बच्चे को, हमारे शिशु को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग तुरंत वीडियो देख सके। वीडियो अच्छा लगे ना गाइस, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महिलाएं यही नहीं जानती हैं कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर किस करवट लेटना चाहिए, क्योंकि कई महिलाएं हमने देखा है कि वो सीधा ही लेट जाती हैं, सीधा सो जाती हैं। मतलब आप पीठ के बल सो जाती हैं, आपको पता ही नहीं कि किस करवट ज़्यादा लेटना चाहिए, किस करवट नहीं लेटना चाहिए, हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे लेटना चाहिए। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो आपको कैसे कैसे नहीं लेटना है, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि किस करवट ज़्यादा लेटना है, ठीक है। तो आप वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो आपको कभी भी पीठ के बल नहीं लेटना चाहिए। मतलब आपको सीधा नहीं लेटना चाहिए। हालांकि आप एक दो मिनट के लिए लेट सकती हैं, लेकिन आपको एक दो घंटे के लिए बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए। इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही आपके पीठ में, कमर में दर्द की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी आप ज़्यादा देर तक पीठ के बल ना लेटें। और एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, कभी भी राइट करवट लेटना नहीं चाहिए। लेटना चाहिए लेकिन कम लेटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राइट करवट लेटेंगे तो हमारे बच्चे को ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो राइट करवट लेटिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको बिल्कुल नहीं लेटना है, आप लेटिए, लेकिन आप आधे घंटे या 15 मिनट के लिए लेट सकती हैं। लेकिन आप जब भी आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो तो आप कोशिश करें लेफ़्ट साइड लेटने की, क्योंकि लेफ़्ट साइड लेटने से आपके जो बच्चे की जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहता है, कोई भी कमी नहीं होती है, और आपका बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल भी फील करता है। हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोने की कोशिश करें, जिससे कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप हमेशा यही करें, आप मतलब पीठ के बल लेटें लेकिन कम लेटें। 10-5 मिनट के लिए आप लेट सकती हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं लेटें। इससे आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। राइट करवट आप लेट सकती हैं, आप चाहे तो आधे घंटे के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लेट सकती हैं। आप करवट बदल के सो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप लेफ़्ट साइड लेटने की, क्योंकि आपके बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका बस ऑक्सीजन लेवल्स ठीक रहेगा और वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा, उसे सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे लेटना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ऑलरेडी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना तो प्लीज़ उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर। टेक केयर एंड बाय।